हेलो एवरीवन, सो गाइज कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा पर्स बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, छोटे छोटे हमने टुकड़े लिए हैं और हम केवल एक जिप से दो पॉकेट वाला पर्स आप इसे बना सकते हो। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है और केवल इसके लिए ये बैग, ये जो बैग वगैरह आते हैं कपड़े वगैरह के साथ, उसमें से कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने 1 इंच करीब ये लंबा कट किया है ऊपर की साइड से। तो अब देखिए, इसके बराबर की मैं लेने वाली हूँ लेस, क्योंकि ऊपर लगानी है मुझे, क्योंकि जो ये कपड़ा है चौड़ाई में थोड़ा सा कम चौड़ा है इसीलिए। और अगर आप लगाना चाहते हो इस लेस को तो लगा सकते हो, नहीं तो आपका अगर कपड़ा पूरा है तो आप कपड़े को ही कट कर लेना, तो आपको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेस से हमारा जो लुक आ रहा है बहुत ही प्यारा सा आ रहा है, आप भी देख सकते हो। अब देखिए, लेस के बराबर से मैंने इस कपड़े को कट कर दिया है जो नीचे वाला है। तो इसमें से कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा, तो हम ऐसे ही चैन के ऊपर से सेट कर देंगे। अब हम दोनों को बराबर से पकड़ते हुए सेट करके और दोनों कप हिस्सों को हम आगे पीछे वाले को बराबर कट कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये छोटा बड़ा है दोनों, इसीलिए। तो मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ कटिंग वगैरह करके नाप के, क्योंकि एक तरफ से बड़ा या छोटा हो जाएगा तो पर्स जो हमारा टेढ़ा बनता है, तो आपको हमेशा नाप के ही लेना चाहिए। तो जो कपड़ा का टुकड़ा था उतना ही मैंने लिया है, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा नहीं निकला है, कट नहीं किया है। तो जो ख़राब पार्ट था वो मैंने केवल इसमें से निकाला है और कुछ नहीं है। तो देखिए, 4.25 इंच की चौड़ाई है टोटल और 7.25 इंच की लंबाई है। तो ये हमारे इस तरीके से पार्ट हैं। और एक स्ट्रिप और मैंने कट की है इस लेस की, एक ब्लस्ट के बराबर इस तरीके से। और इसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी एक, और इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। एक जिप ली है इसके बराबर की, और देखिए जिप को डायरेक्टली मैंने इस तरीके से रखा है क्योंकि लेस लगी हुई है इसीलिए, और रखते हुए ऊपर से मैंने सिल दिया है। अब दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरीके से इसको सिल देंगे। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारे प्यारा सा पर्स की डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये हमारा हैंगिंग की तरह भी यूज होगा और पर्स की तरह भी, तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है रनर और मैंने अस्तर के लिए लिया है एक और कपड़ा। तो अगर आपके पास फॉर्म वगैरह हो तो फॉर्म भी इसमें लगा सकते हो, जो नीचे वाला कपड़ा है उसमें, और या फिर कट्टा वगैरह, प्लास्टिक बोरी वगैरह, कुछ भी जो आप लगाना चाहते हो। तो मैंने अस्तर वाला जो कपड़ा है वो डबल लिया है ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए इसीलिए। तो इस तरीके से मैंने डबल पार्ट लगाते हुए इसको सेट कर दिया है। अंदर की साइड में स्ट्रिप को सेट कर दिया है चैन के बीच में रखते हुए, और इस तरीके से सेट करते हुए कटिंग कर दी है। चारों तरफ से मैं बिल्कुल सिलाई लगा दूंगी, पूरे को पैक कर दूंगी चारों तरफ से। और चैन वाले पार्ट पर आपको दो तीन सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से, ताकि जो सिलाई है वो निकले ना, नहीं तो ऐसी जगहों पर से सिलाई जो बहुत जल्दी निकल जाती है। और इस तरीके से देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है कुछ, और बहुत ही प्यारा सा हमारा पर्स बन के रेडी होगा। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, मैंने आल्पिनों को निकाल दिया है कोने पैसे में, थोड़ा सा कट कर देती हूँ। तो कट करने से क्या होगा, हमारे जो कोने हैं ना इस तरीके से अच्छे से निकल आते हैं सेट होते हुए अपने आप। तो देखिए, ज़्यादा हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है इनको कोने में को निकालने में। तो इस तरीके से हमारा ये एक हैंगिंग की तरह भी हो जाएगा, आप इसमें कुछ भी रख के हैंग कर सकते हो दीवार पर। और मैं भी आप लोगों को पर्स भी बताऊंगी कि आप इसे पर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हो। तो देखिए, इसमें आप कोई भी सामान इधर उधर आपका पड़ा रहता है तो इस तरीके से आप इसमें रख के हैंग कर सकते हो। तो चलिए, दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, कोनों को आपको इसको सिल देना है। इस तरीके से हमारी दो पॉकेट इसमें ऑटोमेटिक
क्रिएट हो जाएंगी। तो ये हमारा दो पॉकेट वाला इस तरीके से भी प्यारा सा पर्स रेडी हो जाएगा। तो आप कौन से तरीके से इसे बनाने वाले हो कमेंट जरूर।